नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 2.5 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद एहसान कुरैशी के वार्ड 15 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जी, मोहम्मद नाम मोहम्मद तौसीफ है। आपके पार्षद कैसा काम करा रहे हैं? अच्छा काम, माशाल्लाह ठीक ठाक काम करा रहे हैं। पिछले 2.5 साल में क्या काम हुए वार्ड में? जो नहीं हो, जो रुके हुए काम थे वो भी काम हो चुके हैं। अभी क्या समस्या है? अभी कोई समस्या नहीं है, वो पानी की समस्या थी, अभी सही सुधार हो रही है उसमें। पार्षद से संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, करा रहे हैं, कोई कमी नहीं है, हर चीज़ की सहूलत कर रहे हैं वो। आपके पार्षद कौन है? एहसान कुरैशी पार्षद, पप्पू भाई। समस्या लेकर गए सुनवाई के लिए आपकी? माशाल्लाह जाते रहते हैं, आता कोई भी। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अभी समस्या क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छी है। कैसा काम करा रहे हैं? सही करवा रहे हैं, काम बड़े के बाद कभी समस्या लेकर जाते सुनवाई करते हैं आपके? करते हैं सुनाई। व्यवहार कैसा उनका? सही है। 2 सालों में कुछ काम करवाए वार्ड में? हैं, 2.5 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? हाँ, रोड डलाने, रोड डला, अभी डला है। हाँ, लाइन डली नल की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। आपके पार्षद ने पिछले 2.5 साल में क्या काम कराया वार्ड में? बहुत काम कर दिया भाई सब, पानी की लाइनें डल गई, सड़क डल गई, बोरिंग खुद गए, काफ़ी काम हो गए। अभी वर्तमान में क्या समस्या है? अभी कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनवाई करते हैं? बिल्कुल होती है। संतुष्ट हैं पार्षद? बिल्कुल संतुष्ट हैं। नवाब कुरैशी। आपके पार्षद कैसा काम करा रहे हैं? बढ़िया काम करा रहे हैं। पिछले 2.5 सालों में क्या काम कराया पार्षद ने? बहुत, ये अपने पाइप लाइन दबवाई है, सफाई का बढ़िया चल रहा है, बोरिंग बनवाए। अभी क्या समस्या बची है वार्ड में? इधर तो कोई समस्या नहीं है, खाली बस ये सड़क बनने का। संतुष्ट हैं पार्षद? हाँ संतुष्ट है, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करा रहे हैं। और जितने भी पार्षद हैं उन्होंने किसी ने भी नहीं करा जैसे उन्होंने काम करा। क्या काम कराया 2.5 सालों में? 2.5 सालों में उन्होंने क्या नाम से ये ले आए दिन की हमारे ये गटर वटर सही सब बंद रहते थे, पानी की व्यवस्था कराई है, किसी को पानी की कोई किल्लत नहीं आने दी, और अपनी जेब से भी खर्चा कर करके वो लोगों तक क्या नाम से टैंकर वगैरह ये डलाते हैं गरीब आदमियों के लिए। समस्या लेकर जाते हो सुनवाई करते हैं? हाँ सुनवाई करता है, बल्कि और साथ चलता है, साथ में आता है, और जो भी समस्या होती है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुलरहमान है सर। कैसा काम करा रहे हैं आपके पार्षद एहसान कुरैशी? नहीं, बहुत अच्छा काम करा है, पानी की लाइनें वगैरह, रोड वगैरह बेहतरीन। संतुष्ट हैं? हाँ से बिल्कुल संतुष्ट है सर। कितने नंबर देंगे? 10 में से करीबन 7 नंबर देंगे सर हम। बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे मालूम क्या समस्या है आपके वार्ड में भाई? सही है, हमारे तो यहाँ पर पार्षद को बोलते खड़े रहते हैं भाई साहब काम के लिए। पिछले 2.5 साल में क्या काम कराए पार्षद ने? बहुत काम करा दिया उसका, यहाँ पे तो कब्रिस्तान का काम करा दिया, ये बज्जू खाना बना दिया, और भी बहुत से काम करवाए थे। चुनाव के दौरान वादे किए थे पूरे कर रहे हैं पार्षद? हाँ यहाँ वाले तो कर रहे, सब वादे पूरे हो गए। हाँ कर रहे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 15 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद वार्ड नंबर 15 के पार्षद के पास, जिनका नाम है हाजी मोहम्मद एहसान। आइए जानते हैं पिछले 2 सालों में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो हाजी साहब स्वागत करना चाहूँगा एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर, और जानना चाहूँगा 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा? देखिए, जो 2 साल नहीं करीब 2.5 साल हो गया है, और 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा, काम को लेकर के बहुत अच्छा मतलब माहौल रहा, जो भी विकास के काम थे अच्छे से हुए। मैं जानना चाहूँगा कि 2.5 साल पहले आपके वार्ड में समस्याएं क्या थी? ये 2.5 साल पहले जब हम पार्षद बने थे तो उस वक्त इस वार्ड में सबसे बड़ी जो समस्या थी पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी, और काफ़ी जगह से रोड जो है सारे रोड डैमेज थे, सिविल लाइन की प्रॉब्लम थी, ये सारी मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो ये इन चीज़ों पे काम हुआ। सड़क निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो कुछ काम हुआ सड़क निर्माण को लेकर? देखिए, सड़क निर्माण को लेकर जो काम हुआ है ये समझ लीजिए, आज बी ब्लॉक वार्ड नंबर 15 में बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, और 4 सेक्टर तक ये वार्ड 15 आता, खंडेलवाल कॉलेज तक इसमें आती है। तो इसको लेके बी ब्लॉक तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर बात करूं तो पूरी ही बी ब्लॉक टोटल कंप्लीट रोड बन चुका है, कंप्लीट पानी की लाइनें डल चुकी हैं, 2-3 गलियों को छोड़ के 2-3 गलियां हैं जिनमें पानी की लाइन का काम चल रहा है। अभी फ़िलहाल इधर आरा मशीन वाली बी ब्लॉक गली है, आरा मशीन वाली, उनमें पानी की लाइन का काम चालू है, उसके बाद इंशाल्लाह उसका भी रोड का काम हो जाएगा। और बाकी पूरा वार्ड में बी ब्लॉक में पूरा पानी की नई लाइनें डल चुकी हैं, और पूरा रोड बन चुका है नया, पूरा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में पूरी पानी की नई लाइनें डल चुकी हैं, और
रोड बन चुका है कंप्लीट। अब सी ब्लॉक का नंबर आता है, सी ब्लॉक में ये बी ब्लॉक फ्री होते ही पानी की लाइन का, फिर उस सी ब्लॉक में पानी की लाइन डलना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में जैसे ही वो काम फ्री होता है पानी की लाइन का, उसके बाद में जल्दी इंशाल्लाह रोड का काम भी उसमें फिनिश कर दिया जाएगा। अगर हम प्रतिशत के तौर पे अगर सड़क निर्माण का कार्य देखते हैं तो कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है वार्ड 15 में? जैसा कि मैंने बताया ना कि अपने वार्ड 15 में सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और बी ब्लॉक है, तो बी ब्लॉक 100% नहीं 99% रोड का काम और पानी की लाइन का काम हो चुका है, डी ब्लॉक 100% हो चुका है। बात करते हैं सफाई व्यवस्था को लेकर, कितना प्रतिशत या किस तरीके से सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है? सफाई व्यवस्था पर देखिए, अल्लाह का शुक्र है मैंने वार्ड में 3-4-5 ग्रुप बना रखे हैं अलग अलग, ये 4-5 गली का एक ग्रुप, ये 4-5 गली का एक ग्रुप, इस तरह 4-5 ग्रुप बना रखे हैं। हमारे वार्ड इंस्पेक्टर जो हैं वो भी बहुत सक्रिय हैं, और मेरे पास जैसे कोई मैसेज आता है तुरंत उसको फॉरवर्ड आगे कर दिया जाता है। इस बात को लेकर के चाहे आप मेरी जनता से किसी से पूछ सकते हैं कि कोई मैसेज आए उसका तुरंत आगे फॉरवर्ड करना, किसी भी संबंध हो, सफाई से हो, सिविल लाइन से होए, या कोई गंदे पानी से होए, या फिर कोई रोड लाइट से हो, या एनी टाइम, मतलब कोई भी टाइम का, मतलब किसी भी तरह की कोई समस्या हो, वो जैसे मुझे सूचना मिलती है व्हाट्सअप के माध्यम से वैसे ही मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। और इंशाल्लाह कुछ काम ऐसा होता है कि तुरंत, जैसे सफाई से बात करें तो सफाई का काम ऐसा है कि तुरंत आदमी आके सफाई कर देते हैं छुट्टी का दिन ना हो तो, और अदरवाइज जैसे कोई लाइट का या कोई और अन्य कोई भी बात होती है तुरंत आगे फॉरवर्ड होता है, कोई पानी की समस्या होती है आगे फॉरवर्ड होता है और उस पर हाथों कार्रवाई शुरू। बात करते हैं वर्तमान की समस्या को लेकर, वर्तमान में क्या समस्या नज़र आ रही है आपके वार्ड में? अभी फ़िलहाल जो है वर्तमान में देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे इधर सी इसमें वार्ड 15 में थोड़ी सी कच्ची बस्ती भी थी अपने फिरदौस मस्जिद से लेकर के बिलाल मस्जिद तक, यहाँ एक समस्या थी कि लोगों ने अपने निजी सिविल लाइन डाल रखी थी, और वो निजी सिविल लाइन ऐसी थी छोटी थी, छोटे छोटे चैम्बर थे। तो मैंने जीतने के बाद में, चुनाव होने के बाद में, जीतने के बाद में तमाम जितनी भी कच्ची बस्ती पड़ती थी बिलाल मस्जिद, फिरदौस मस्जिद से बिलाल मस्जिद तक, तमाम सिविल लाइन कच्ची बस्ती की नई चेंज करवा दी, चैम्बर नए बनवा दिए, नई लाइन नई डलवा दी है। अल्लाह का शुक्र है आज वहाँ पर वो लोगों के पास इतनी सी भी शिकायत नहीं है और लोग दुआएं देते हैं। ये तो रही इसकी बात। अभी फ़िलहाल जो मेरे सामने जो चेतावनी है वो सबसे बड़ी एक ही है कि मेरे को पूरे भट्टा बस्ती के वार्ड नंबर 15 की, वार्ड नंबर 15 में जो सिविल मैन हॉल हैं, मैन चैम्बर जो होते हैं, उनको चेंज भी मतलब नए बनवाने हैं। इनसे क्या है कि ज़मीनी ज़मीन में ये पूरे डैमेज हुए पड़े हैं और हर 8वें दिन भर जाते हैं, 5 दिन में 8 दिन में भर जाते हैं, और फिर उनमें जो है मतलब उनका पानी, गंदगी का पानी वो अंडरग्राउंड ज़मीन में फैलता है, और वो पानी फैलने के बाद जहाँ नई लाइनें डल चुकी हैं पानी की, उन लाइनों में भी मिक्स होकर गंदा पानी जाता है। तो मेरी यही कोशिश है, मैंने चिट्ठी भी चला रखी है, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि जल्दी ही ये काम, इसकी अप्रूवल मिल जाएगा और जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं वार्ड 15 के टोटल सिविल लाइन नई बनवाने की मेरी कोशिश है, एक बात। दूसरा, 4 सेक्टर में जो सिविल लाइन है वो नगर निगम द्वारा कभी नहीं डली हुई है, 50-60 साल पहले कभी हाउसिंग बोर्ड बना था, उस वक्त हाउसिंग बोर्ड की डली हुई सिविल लाइन है, तो उसके लिए भी मैंने इंशाल्लाह चिट्ठी चला रखी है। अल्लाह ने चाहा तो वहाँ भी वो नई लाइन निगम द्वारा लाइन डलवा दी जाएगी, क्योंकि जो हाउसिंग बोर्ड की लाइन है वो घरों के अंदर आ चुकी हैं, उनसे काफ़ी छोटी भी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, वहाँ काफ़ी समस्या रहती है। तो इंशाल्लाह वो भी, ये 2 चिट्ठी मेरी अभी चल रही हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी इन पर मंजूरी मिल जाएगी और काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। बात करते हैं रोड लाइट्स को लेकर, कितनी रोड लाइट्स लगाई जा चुकी है आपके वार्ड में 2.5 साल में? मेरे वार्ड में 2.5 साल में करीबी समझ लीजिए 100 रोड लाइट्स मैंने लगा चुकी हैं, 100 लाइटें मैं लगा चुका हूँ नई। इसके अलावा मैंने 2 हाई मार्क्स लाइट होती हैं बड़ी, जो एक इस कब्रिस्तान के गेट पे लगवा दिए और एक उधर 90 फुट ग्राउंड कब्रिस्तान है उसमें लगवा दिए। इसके अलावा मैं बात करूँ तो 4 आर्म पोल आते हैं, करीब 8-10 मैंने 4 आर्म पोल लगवा दिए अलग अलग स्थानों पर, और करीब 100 लाइटें मैं लगवा चुका हूँ। पिछले 2.5 साल में चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो? पिछले 2.5 साल में देखिए, मैंने जो है मंत्री महेश जोशी जी जो हैं इनके द्वारा 2 साल पहले एक चिट्ठी लिख करके और चिकित्सा मतलब मोहल्ला क्लिनिक बनवाने के लिए मांग की थी ये अपने डी ब्लॉक में, और वो अप्रूवल भी हो चुकी है। लेकिन मैंने मांग की थी कि विद बिल्डिंग और डॉक्टर का व्यवस्था की जाए, लेकिन वो अभी
जो है जगह ना होने की वजह से डॉक्टर आए थे, मुझसे मिले थे, लेकिन वो कहते हैं किराए से कोई मकान मिल जाए, अब वो किराएदारों के मकान में किसी को पसंद नहीं आता है, कोई मकान नहीं देता, तो इस चक्कर में वो अभी काम अभी पेंडिंग है, वैसे मंजूरी मिल चुकी है उस चीज़ की। देखिए आपका जो कार्यकाल है 2.5 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? मैंने जैसे कि अभी बताया, इंशाल्लाह जैसे ये सिविल लाइनों का जो काम हो जाएगा और जो चैम्बर अगर बन जाएंगे पूरे भट्टा बस्ती के, नहीं देखिए पानी की लाइन डल चुकी है अल्लाह का शुक्र है, सिविल लाइन के नए चैम्बर और बन जाएं, रोड करीब करीब हो चुके हैं, तो ये समझ लीजिए कम से कम ये 10-15 साल के लिए लोग बिल्कुल सुकून से रह सकेंगे, एक बात। दूसरा एक टेंडर है जो वार्ड नंबर 15 कब्रिस्तान के लिए मैंने एक मंजूरी हो चुकी है उसकी, और वो टेंडर शायद आज 5-6 तारीख आज खुल गया होगा, वो उसको लेकर के मेरे कोई कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वाल है जिसमें इस मतलब जानवर गाय भैंस बकरी बकरा कुत्ता बिल्ली या खंजीर उसमें अंदर दाखिल हो जाते हैं और कब्रों की बेअदबी करते हैं, तो मेरा मकसद ये है कि अल्लाह मुझे सलामत रखे तो मैं इंशाल्लाह इस कब्रिस्तान को चारों तरफ से पैक करवाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। जानना चाहूँगा कि राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? देखिए मैं राजनीति में नहीं था, मैं तो एक अपना बिजनेसमैन काम धंधे वाला व्यापारी आदमी था, जो कि मेरे भाई हैं पप्पू कुरेशी बड़े, उनका एक मन चाहती कि लोगों की खिदमत किस तरह की जाए, अब उन्होंने जो है अलाउंसमैन कर दिया मेरा नाम, और मेरा नाम अलाउंसमैन करके उन्होंने मुझे चुनाव लड़ा, मैं उनको आधार अपना मतलब बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, मैं उनकी बात को इनकार ना कर सका और मैंने जो उनके कहने से चुनाव लड़ लिया, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि जो जनता ने मेरे पे विश्वास जताया है, जो 2 साल पहले जो लोगों ने वोट डाल के मुझे विश्वास जताया, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहता हूँ। देखिए आप राजनीति में आए और चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, और आप जीत हासिल करने के बाद में आपको कैसा लग रहा है राजनीति में आने के बाद? देखिए राजनीति अलग चीज़ है और खिदमत एक अलग चीज़ है, मैं अभी जो कर रहा हूँ मैं खिदमत के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मैं राजनीति के हिसाब से काम नहीं कर रहा। राजनीति में जो मेरे बड़े भाई, मैंने जैसा कि बताया आपको, वो जैसा चाहेंगे मेरे मतलब मेरी लाइफ का, मेरी मतलब मेरी राजनीति का या जो भी मेरा फैसला, वो उनके हाथ में है, मैं तो एक समझ लो कौम का खिदमतगार हूँ और कौम की खिदमत के लिए मैं काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह और आगे भी करता रहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस के अंदर है आपका हेरिटेज नगर निगम जो बोर्ड है, वहाँ समितियों का गठन नहीं हो पा रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जैसे जब ये 2.5 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी का जयपुर शहर में पहली मरतबा बोर्ड बना है और जो निर्दलीय पार्षदों से जो वादे किए गए थे, तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये बोर्ड बन जाता तो उनके वादे भी पूरे हो जाते जो उनसे किए गए थे। मुझे तो अब कोई चेयरमैन ही का लालच नहीं है, ना मुझे कोई चेयरमैन बनना है, लेकिन जो और हमारे भाई हैं चाहे वो निर्दलीय हों चाहे वो कांग्रेस के हों, ये काम हो जाए तो इस काम के होने से बहुत और काम में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अभी हर काम के लिए हमें मेयर को खटखटाना पड़ता है, जब अगर चेयरमैन सब अलग अलग कमेटी के बन जाएंगे, मानो कोई गार्डन डीसी बन गया, कोई लाइट का बन गया, कोई लाइट का चेयरमैन बन गया, कोई गार्डन का चेयरमैन बन गया, कोई सिविल लाइन का चेयरमैन बन गया, तो हर चेयरमैन से अलग अलग बात करी जाएगी, अभी एक ही मुद्दे के लिए लेकर के हमें हर बात के मुद्दे के लिए, चाहे वो गार्डन से ताल्लुक़ हो, चाहे वो लाइटों से ताल्लुक़ हो, या सिविल लाइन से ताल्लुक़ हो, या रोड से ताल्लुक़ हो, या कोई कार्मिक कर्मचारियों से ताल्लुक़ हो, हर बात के लिए मेयर को फ़ोन करना पड़ता, हर बात के लिए मेयर से बात करनी पड़ती है, मेयर भी अकेली बेचारी क्या क्या करे, अब इनको जो है चेयरमैनशिप कमेटी बना देनी चाहिए, जो कमेटी बन जाए तो लोगों के और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। देखिए आज का जो युवा है वो नशे की ओर बढ़ रहा है, तो आप क्या उन्हें सलाह देंगे और क्या कहेंगे? मैं आज का जो युवा है नशे की ओर बढ़ रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अपनी लाइफ बर्बाद ना करें, ये लाइफ अल्लाह का दिया हुआ बड़ा अनमोल को तोहफा है, इसको इस तरह से यूँ बर्बाद ना करें कि तुम तो नौजवान साथी जो 15 साल 18 साल 22 साल के बच्चे हैं, ये तो थोड़ी सी देर के मज़े के लिए अपना मज़ा कर लेते हैं, लेकिन पीछे घर वालों का क्या हाल होता है, बहुत से लोग आते हैं बूढ़े बूढ़े माँ बाप आते हैं कि हमारा जवान बच्चा